I met Suraj first in Thadumal Shane. I was there with my friends inquiring about the admissions. Then he was also there in the office and he suddenly started giving his knowledge. Okay, you can apply here, you can do this, you can try that, because he was also from Sindhi Kota. But then I left that college in 3 days. Even he left Thadumal. So, engineering ke baad mujhe थर्डोमल के बाद एक दूसरा अपॉर्चुनिटी मिला, वो था स्वामी विवेकानंद. वहाँ पे जब मैं गया तो मेरे को एक ऐसे थोड़ा याद आ गया कि हाँ, मेरा एक छोटा लव स्टोरी था जो 7 days ही चला थर्डोमल में, एंड वो वहाँ पे एंड. सो उसके बाद द वेरी फर्स्ट डे जब मैं स्वामी के लिए निकला, मेरा फर्स्ट डे ऑफ इंजीनियरिंग, मैं चल रहा था नॉर्मल अपने क्लासरूम की तरफ, एंड रोड पे कोइंसिडेंटली एक फिल्मी सीन हो गया जहाँ पे मैंने एक लड़की को टक्कर मार दी, उसका बुक गिर गया, एंड शॉकिंगली वो लड़की थी सीमा. सो वो मेरे लिए एक बहुत हैप्पी मोमेंट था कि मैं बोला यार ये मतलब दिस सम मिराकल, कि ऐसा नहीं हो सकता. तो ये काफ़ी अच्छा मोमेंट को मैंने सोचा कि हाँ, अभी चलो, अभी फाइनली वापस मुझे ऐसा लग रहा है मेरे 4 साल बहुत अच्छे से सफल हो जाएंगे. एक वाव मोमेंट जिसे बोलते हैं, तो एक वाव मोमेंट था मेरे लिए. एंड देन वी वर इन द सेम बैच इन कॉलेज, सेम प्रैक्टिकल बैच. ही यूज्ड टू कॉपी माय असाइनमेंट्स एंड समटाइम्स आल्सो यूज्ड टू मेक मी राइट हिज असाइनमेंट्स एंड ड्रॉ हिज डायग्राम्स. सो दिस इज हाउ द फ्रेंडशिप स्टार्टेड. वो साइकिल स्लोली स्टडीली स्टार्ट होने लग गया. मैं और सीमा अच्छे फ्रेंड्स हो गए. अच्छे फ्रेंड्स से बाद बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए. साथ में हम लोग बहुत मस्ती करते थे, साथ में पढ़ाई करते थे. पढ़ाई करके फिर जब कैंटीन में बाहर जाते थे तो वहाँ पे तो मैं तो बहुत चोरी करता था. सीमा के पैसे का मैंने बहुत खाया मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ. सो मैंने उसके पैसे का बहुत खाया एंड बहुत मज़ा आता था. He used to sometimes drop me to Kola station on his bike. It was a very good friendship. एक लेवल पहुंच जाने के बाद हमेशा एक नेक्स्ट लेवल होता है लव. वो जो मेरे में हमेशा था बट मैंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया. सो एक दिन ऐसा था कि हम लोग एक फ्रेंड्स का एक हम लोग ऐसे ही बाहर जा रहे थे, वॉक कर रहे थे, एंड वहाँ पे सडनली पता नहीं मुझे कहाँ से एक स्पार्क आया कि मैं बोला कि नहीं यार, इससे पहले कि मैं लेट हो जाऊं मैं प्रपोज कर देता हूं सीमा. तो वहां पे जब मैंने उसको प्रपोज किया, उसके लिए एक्चुअली मेरे को लगा ये सरप्राइज होगा, बट उसके लिए ये एक हो गया शॉक. एंड आई हैड नो क्लूज ऑफ व्हाट टू से एंड रिएक्ट एट दैट टाइम. आई वाज शॉक्ड. सो इट वाज अ क्लियर नो फ्रॉम माय साइड बिकॉज़ आई वाजंट प्रिपेयर्ड. अब ये शौक के बाद मुझे लगा कि अभी तो ख़त्म, अभी तो दोस्ती नहीं, यारी नहीं, कुछ नहीं. बट फिर भी मुझे एक होप था कि नहीं यार, एक इतना अभी इतना 4 साल में रुका हूँ प्रपोज करने के लिए, कोई लड़की मुझे इतना इंस्टेंटली तो दोस्ती से नहीं निकालेगी. वी स्टिल रिमेन बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स. बट कुछ टाइम बाद एक अराउंड 6 months में भी, जो हम लोग लास्ट ईयर था इंजीनियरिंग का, तभी उसको कहाँ से एक स्पार्क आया उसको भी. एंड मैंने सोचा चलो यार, एक जाते जाते एक लास्ट ट्राई मार देता हूँ. तो मैंने उसको पूछा कि वुड यू बी इंटरेस्टेड इन मी, अभी हम लोग की फ्रेंडशिप भी अभी 4 years हो गया, तो वुड यू बी स्टिल इंटरेस्टेड इन मी. एंड शी वाज लाइक ओके, लेट्स गो अहेड. देन आई वाज लाइक शाहरुख खान लग रहा था मैं उस दिन ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं ही हूँ, बस और कोई है ही नहीं अब. एंड देन आफ्टर दैट वी स्टार्टेड डेटिंग.
सो एक मेरे लिए लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया सीमा का यस। सो दिस वॉज एवरीथिंग। कुछ अजब हो रहा है, क्या यही प्यार का है एहसास। शिकायत है बिन छुए छू लिए है तूने मुझको दिए प्यार के ये तराने जाने आ ये जो अब हो रहा है कुछ अजब हो रहा है क्या यही प्यार का है एहसास।